Hello students, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss a very important article from the oscillators, that is tuned collector oscillator. Is article mein bachcho hum discuss karenge what is the frequency of the tuned collector oscillator, and also we will discuss the condition for the sustained oscillations. Is oscillator ko bachcho tuned collector oscillator kyun kehte hain, main ye bhi batata hun. It is called as tuned collector oscillator because it contains a tuned circuit. Basically bachcho hamara kya hai, that is the LC circuit connected to collector of the transistor. इसमें बच्चों हमारे पास एक ट्यून्ड सर्किट है which is a LC circuit and that is connected with the collector of the transistor. इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ट्यून्ड collector oscillator. तो इस आर्टिकल में बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे the circuit diagram for the tuned collector oscillator. तो इसमें बच्चों क्या है, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था. सो ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, दिस इज दी एनपीएन ट्रांजिस्टर. सो वी हैव एनपीएन ट्रांजिस्टर. कौन सी बाइसिंग मोड में है बच्चों, ये कॉमन एमिटर बाइसिंग मोड में है. और यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, दीज आर आर वन एंड आर टू. ठीक है, अमीटर साइड में बच्चों हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का, दिस इज रेजिस्टेंस आर ई, दिस इज कैपेसिटर सी ई, एंड दीज आर कनेक्टेड विद द अर्थ लाइक दिस. ठीक है जी, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास वी हैव स्टडीड, हमारे पास एक ट्यून्ड सर्किट है दैट इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर ऑफ द ऑसिलेटर और द ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक हमारे पास एलसी सर्किट हम यहाँ पे बनाएंगे. सो वी हैव इंडक्टर कॉइल एल एंड द वेरिएबल कैपेसिटर सी. तो इस को फर्दर बच्चों हम कनेक्ट कर देंगे विद द पावर सप्लाई बाय कनेक्टिंग अ की. सो वी हैव दिस वीसीसी पावर सप्लाई और यहाँ पे ये मैंने बच्चों क्या बना दिया, दिस इज की के, जिसको अगर हम क्लोज कर देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, अगर इसको ओपन कर देंगे तो सर्किट ऑफ हो जाएगा. और हमने एक चीज़ और पढ़ी है ऑसिलेटर्स के अंदर, जैसे मैंने लास्ट आर्टिकल कॉलपिट ऑसिलेटर बनाया था, उसको भी आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा. उसमें भी हमने देखा था कि जो ट्यून्ड सर्किट है आइडियल कंडीशंस में उसकी जो ऑसिलेशंस हैं दीज आर अनडैम्प्ड. बट अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ड्यू टू सम रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स तो जो ऑसिलेशंस हैं दीज आर डैम्प्ड इन नेचर. तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस को अनडैम्प्ड बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक यूज करते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस इंडक्टर कॉइल के सामने एक इंडक्टर कॉइल एल वन लगा दिया जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. तो हम कुछ इस तरह का कनेक्शन यहाँ पे बना देंगे. और ये हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल और है विच इज़ यूज्ड फॉर द आउटपुट पर्पस. ठीक है, दिस इज एल टू, दिस इज एल वन, एंड नाउ वी हैव द म्यूचुअल कोएफिशिएंट बिटवीन एल एंड एल वन दैट इज एम. एम रिप्रेजेंट्स द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन एल एंड एल वन. और यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज द कैपेसिटर सी डैश. तो ये बच्चों हमारे पास जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम फॉर द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर. अगर हम वैसे देखें जो एलसी सर्किट है उसमें अगर हम सर्किट ऑन कर दें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस क्या होगी, दैट विल बी 1/2 pi अंडर रूट ऑफ एलसी. वो कहाँ से आएंगी, इस ट्यून्ड सर्किट से आएंगी. और अगर हम सी की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस भी चेंज होती रहेगी.
बट ये ऑसिलेशंस अगर हम प्रैक्टिकली इस सर्किट से निकालें तो ये डैम्प नेचर की होंगी, मतलब इनका जो एम्पलीट्यूड है ड्यू टू सम रेजिस्टिव कंपोनेंट्स इनसाइड द ऑसिलेटर वो कम होता जाता है, सम ऑफ द एनर्जी जो है लॉस होगा यहाँ पे। बट उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया बच्चों, एक L1 इंडक्टर कॉइल को इसके सामने लगा दिया, तो ये L1 कॉइल यहाँ से कुछ ना कुछ फीडबैक लेगा एंड देन द फीडबैक इज गिवन टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, और ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये कुछ एम्पलीफायर की तरह भी काम कर रहा है। तो यहाँ से जो इनपुट आएगा उसको ये एम्पलीफाई करके फिर से किसको भेज देगा, टू द ट्यून्ड सर्किट। तो जो ट्यून्ड सर्किट का लॉसेस आए हैं तो ये जो फीडबैक है उन लॉसेस को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, जिससे जो हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी बच्चों, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में चेंज हो जाएंगी। तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, R1, R2, RE, CE इनकी वैल्यूज हम इस हिसाब से सेट करेंगे कि जो जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल रहे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। और एक चीज आपको और बताता हूं, फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जो हमारा फेज डिफरेंस है बच्चों, फेज डिफरेंस हमारा कितना होता है फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। बट हमने जब जनरल आर्टिकल फॉर द ऑसिलेटर्स डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था जो नेट फेज डिफरेंस है वो ऑसिलेटर्स के अंदर 360 या 2π होना चाहिए, बट इनपुट और आउटपुट के अंदर इन केस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जो हमारा फेज डिफरेंस है वो 180 है। तो जो एडिशनल 180 डिग्री फेज डिफरेंस हमें चाहिए, एडिशनल 180 डिग्री फेज डिफरेंस is provided by the secondary of the transformer. तो ये जो हमारी L और L1 coil है, यहां पे जो हमारी L coil है that acts like as a primary coil, मैं आपको लिख के बता देता हूं, L acts like as a primary coil और जो L1 है acts like as a secondary coil। अगर बच्चों यहां पे हमारे पास हाई वोल्टेज हो और यहां पे लो वोल्टेज हो तो यहां पे हाई होगी और यहां पे लो होगी, बट हमने क्या किया, यहां लो वोल्टेज मतलब इसके नीचे वाले पार्ट को फर्दर कनेक्ट कर दिया बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर से, जिसके साथ हमारे पास एडिशनल 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारा टोटल जो फेज डिफरेंस है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वो कितना हो गया, दैट इज 180 + 180 विच इज 360 डिग्री। तो यही हमारी कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी जनरल थ्योरी ऑफ द ऑसिलेटर्स के अंदर, दैट द नेट फेज डिफरेंस मस्ट बी 2π और वो हमारा 360 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑसिलेटर जो हमारी कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अब हम कैलकुलेशन करेंगे टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एच पैरामीटर की टर्म्स के में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब हम कॉलपिट ऑसिलेटर पढ़ रहे थे उस टाइम भी बच्चों हमने क्या किया था, सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स। तो अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। तो पहले मैं यहाँ पे जगह बना लूँ। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे फॉर द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। तो सबसे पहले हम जो हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और जो चीज़ें एक्स्ट्रा लगी हैं उनको साथ में हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे HIE that is connected with the voltage source HREVO. This points act like as a base और इसको हम बच्चों ग्राउंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक होता है करंट सोर्स दैट इज HFEIB और इसको भी हमने ग्राउंड कर दिया एंड देन फर्दर वी हैव वन रेजिस्टेंस दैट इज 1/
HOE. ये हमारा जो सर्किट है दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिस्टर पार्ट. तो ये हमारा एम्पलीफायर का सर्किट हो गया इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर. अब जो चीज़ें एक्स्ट्रा वहाँ पे लगाई थी उनको हम यहाँ पे लगा देंगे. सबसे पहले हम कलेक्टर के साथ एक कैपेसिटर अटैच करेंगे. दिस इज दी कैपेसिटर सी. उसके सामने बच्चों हमने एक एल लगाई है और एक रेजिस्टेंस आर हम यहाँ पे लगाएंगे. फर्दर एल के सामने वहाँ पे हमने एक कॉइल एल वन लगाई थी जिससे हम फीडबैक करवा रहे थे. तो हम यहाँ पे बच्चों एक कॉइल एल वन लगाएंगे इस तरह से और एक पार्ट इसका हम फीडबैक कर देंगे कहाँ को, बेस की तरफ, लाइक दिस. ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर. एंड वी हैव सीन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन एल एंड एल वन इज कैपिटल एम. तो अब ये हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ से बच्चों हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस एंड द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन. एंड हम आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों? हम हर ऑसिलेटर में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बीटा इज सिंपली इक्वल टू वन. यहाँ पे ए हमारा क्या है? दैट इज गेन ऑफ एम्पलीफायर. एंड वॉट इज द बीटा? बीटा हमारा बच्चों क्या है? दैट इज द गेन ऑफ फीडबैक सर्किट. तो अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे. अगर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, यहाँ पे करंट कितना होगा? दिस करंट इज आई बी और यहाँ कलेक्टर वाली साइड करंट होगा आई सी. और ये जो हमारी कॉइल एल है यहाँ पे करंट बच्चों जा रहा है दैट इज दी आई एल करंट. हम बात करते हैं कैपिटल ए. हमने लास्ट आर्टिकल कॉल्पिट ऑसिलेटर में भी मैंने आपको बताया था वॉट इज कैपिटल ए. कैपिटल ए इज एच एफ ई जेड एल डिवाइडेड बाई एच आई ई प्लस डेल्टा एच इन टू जेड एल. वेयर वॉट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच है बच्चों हमारा एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई. एच ई हमारा क्या है? दैट इज द इनपुट इम्पिडेंस. एच ओ ई दैट इज द आउटपुट एडमिटेंस. एच आर ई दैट इज द रिवर्स वोल्टेज गेन एंड एच एफ ई दैट इज द फॉरवर्ड करंट गेन. एंड वॉट इज जेड एल? जेड एल बच्चों हमारा क्या है? आउटपुट इम्पिडेंस और द नेट लोड रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर. तो ये हमारा बच्चों है कलेक्टर और ये पॉइंट है हमारा एमीटर. इस दोनों पॉइंट्स के अंदर जो हमारी नेट रेजिस्टेंस है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, नेट लोड वी हैव टू फाइंड आउट जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया है. हमने क्या लगाया है? सी एल एंड आर. तो हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, जेड एल हमने ये निकालना है, एल एंड आर हमारे सीरीज में लगे हैं और सी इन दोनों के पैरेलल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट जेड डैश इज द नेट इम्पिडेंस ऑफ एल एंड आर. दिस एल एंड आर इन द सीरीज कनेक्शन. तो हमारा जेड एल जेड डैश क्या होगा? दैट इज व्हाट? दैट इज एक्स एल प्लस आर. एक्स एल हमारा क्या होता है बच्चों? दैट इज आईटा ओमेगा एल प्लस आर. अब एल एंड आर को सॉल्व करके हमने क्या बना दिया? दैट इज जेड डैश. और जेड डैश मतलब इन दोनों का जो नेट रिजल्ट है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू सी. नाउ सी एंड जेड डैश आर पैरेलल टू ईच अदर. तो हमारे पास जेड एल बच्चों क्या होगा? जेड एल इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारी नेट रेजिस्टेंस होती है दैट इज आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू. तो यहां पे क्या आएगी? यहां पे आएगी जेड डैश इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाय जेड डैश प्लस एक्स सी. तो अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करूं तो जेड एल हमारा क्या आएगा बच्चों? व्हाट इज जेड डैश? जेड डैश है हमारा आर प्लस आईटा ओमेगा एल इंटू व्हाट इज एक्स सी? दिस इज वन बाई आईटा ओमेगा सी डिवाइडेड बाय जेड डैश प्लस एक्स सी.
अगेन जेड डैश है हमारा आर प्लस आईटा ओमेगा एल प्लस वन बाई आईटा ओमेगा सी। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाऊंगा बच्चों, मैं यहाँ पे इसको साफ करके लिखूंगा। हमारा जेड एल क्या आया, जेड एल इज वॉट, दिस इज आर प्लस आईटा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आईटा ओमेगा सी, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे आएगा आईटा ओमेगा सी, और यहाँ पे जो हमारा आर प्लस आईटा ओमेगा एल है ये आईटा ओमेगा सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर प्लस आईटा ओमेगा एल इंटू आईटा ओमेगा सी प्लस वन। तो अगर मैं इसको बच्चों सॉल्व करूँ, दिस इज वॉट, दिस इज आर प्लस आईटा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आईटा ओमेगा सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दो टर्म्स आए आर आईटा ओमेगा सी, आर आईटा ओमेगा सी, सेकेंड टर्म आएगी आईटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी, तो सेकेंड टर्म आएगी आईटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी, और लास्ट में आएगा प्लस वन डिवाइडेड बाई आईटा ओमेगा सी, और ये आईटा ओमेगा सी से कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो हमारा जो नेट वैल्यू ऑफ जेड एल है दैट इज वॉट, जेड एल आएगा हमारा आर प्लस आईटा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई वन माइनस आईटा स्केयर को बच्चों हम नेगेटिव लिख सकते हैं, तो ये टर्म जो है आईटा स्केयर खत्म हो जाएगा, ये वन माइनस ओमेगा स्केयर एल सी प्लस आईटा आर ओमेगा सी। तो हमारे पास जेड एल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये जो मैंने जेड डैश एंड जेड एल दोनों निकाले हैं इनको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि ये फर्दर हम यूज करेंगे। यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी जगह बना ली है। तो मैं एक बार बच्चों सारी इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूँ। जेड डैश हमारा क्या आया था, आर प्लस आईटा ओमेगा एल, और हमारी जो जेड एल है वो क्या आई, आर प्लस आईटा ओमेगा एल डिवाइडेड बाय वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस आईटा ओमेगा आर इंटू सी। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आई जेड एल की। तो मैं इनको साइड में लिख के रख लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब हमने जो हमारा कैपिटल ए था, कैपिटल ए था हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, कैपिटल ए था माइनस एच एफ ई जेड एल डिवाइडेड बाई एच आई ई प्लस डेल्टा एच इंटू जेड एल। जेड एल हमने फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा एच मैंने आपको अभी लिख के बता दिया व्हाट इज द वैल्यू फॉर डेल्टा एच, और अब हम फाइंड आउट करेंगे बीटा। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर दी बीटा। बीटा बच्चों क्या है, बीटा इज दी फीडबैक गेन, मतलब गेन ऑफ दी फीडबैक एम्पलीफायर। अब जो हमारी फीडबैक हो रही है, आप सर्किट में से देखो, मैं इसको थोड़ा सा सेट करके बनाता हूं लाइक दिस। जो हमारी फीडबैक हो रही है बच्चों, द वोल्टेज अक्रॉस एल वन इज यूज एज द फीडबैक टू द एम्पलीफायर, और हमारी फाइनल जो आउटपुट थी दैट इज अक्रॉस एल। तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एल वन दैट इज अवर वी एफ, एंड वॉट इज वी ओ दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट इम्पिडेंस इंडक्टर कॉइल एल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज द वी एफ बाई वी ओ विच इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल वन दैट इज। तो अगर हम यहाँ पे देखें वोल्टेज क्या होगी, द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इंटू करंट, करंट इज आई एल, करंट फ्लोइंग इज आई एल, तो ये क्या होगी आई एल इंटू आईटा ओमेगा एम, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है द म्यूचुअल कोफिशियंट बिटवीन एल एंड एल वन इज एम। तो जो हमने कपलिंग कोफिशियंट एल एम ले लिया तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे एम लगा दिया, डिवाइडेड बाई आर प्लस आईटा ओमेगा एल इंटू आई एल दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द एल। तो ये कैंसिल बच्चों, तो यहाँ पे आ गया आईटा ओमेगा एम डिवाइडेड बाई आर प्लस आईटा ओमेगा एल। बीटा भी हमारा आ गया बच्चों, मैं यहाँ पे बीटा साइड में लिख के रख लेता हूँ। बीटा इज वॉट, आईटा ओमेगा एम डिवाइडेड बाई आर प्लस आईटा ओमेगा एल, ये हमारा बीटा आ गया।
तो अब हम बार्कहेज़न क्राइटेरिया में इन सभी की वैल्यूज रख देंगे एंड फर्दर हम सॉल्व करेंगे फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। हमारा बार्कहेज़न क्राइटेरिया है ए बीटा मॉड दैट इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमारा क्या आया बच्चों, यहाँ से आया हमारा जो ए बीटा दैट इज इक्वल टू वन, तो हम लिख सकते हैं हमारा बीटा है दैट इज वॉट वन बाई कैपिटल ई। अब बीटा की वैल्यू रखते हैं, बीटा इज वॉट आइटा ओमेगा एम डिवाइड आर प्लस आइटा ओमेगा एल विच इज इक्वल टू। अब ए की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू है, ए की वैल्यू है नेगेटिव साइन। तो अगर हम मॉडुलस वैल्यू रखेंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और जब रिवर्स करेंगे ये वाली टर्म ऊपर आएगी और एच एफ ई जेड एल नीचे चला जाएगा। तो ये बनेगा एच आई ई प्लस डेल्टा एच जेड एल डिवाइडेड बाई एच एफ ई इंटू जेड एल। अगर बच्चों मैं एच एफ ई को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा फैक्टर बन जाएगा इंटू एच एफ ई, और अगर मैं अब राइट हैंड साइड देखूं तो यहां से डिवाइड कर सकता हूं विच बिकम्स एच आई ई डिवाइडेड बाई जेड एल प्लस डेल्टा एच। क्लियर? और डेल्टा एच भी हमने लिख रखा है, डेल्टा एच इज वॉट दिस इज एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई इंटू एच एफ ई। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर्स एंड दिस इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू एच पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, दिस इज आइटा ओमेगा एम एच एफ ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आइटा ओमेगा एल विच इज इक्वल टू एच आई ई डिवाइडेड बाई जेड एल, और ये हमारा जेड एल है। अब जेड एल की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जेड एल नीचे आ रहा है तो ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो क्या बनेगी वन माइनस ओमेगा स्क्वेयर एल सी प्लस आइटा ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई आर प्लस आइटा ओमेगा एल प्लस डेल्टा एच। क्लियर? और अगर हम यहां पे एलसीएम ले लें, मैं ऊपर की तरफ इसकी कैलकुलेशन करता हूं, हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा क्या आइटा ओमेगा एम एच एफ ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आइटा ओमेगा एल विच इज इक्वल टू आर प्लस आइटा ओमेगा एल। यहाँ पे आएगा एच आई ई वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस आइटा ओमेगा आर सी प्लस आर प्लस आइटा ओमेगा एल इंटू डेल्टा एच। तो हमारे पास कुछ है इस तरह से टर्म बनेगी। अगर हम अब दोनों टर्म्स में से नीचे की तरफ जो आई आर प्लस आइटा ओमेगा एल टर्म है वो कैंसिल कर दें तो हमारी टर्म बनेगी आइटा ओमेगा एम एच एफ ई विच इज इक्वल टू, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। राइट साइड हमारे पास कुछ इमेजिनरी पार्ट हैं कुछ रियल पार्ट हैं, हम दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे। एच आई ई को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा रियल पार्ट, सेकेंड पार्ट इज अगेन रियल पार्ट एच आई ई ओमेगा स्क्वायर एल सी, थर्ड पार्ट आएगा ये भी रियल पार्ट है, थर्ड पार्ट आएगा इमेजिनरी, इसको बाद में लिखेंगे। और नेक्स्ट आर डेल्टा एच, दिस इज अगेन रियल पार्ट, तो ये हमारा सारा बच्चों क्या बन गया दैट इज द रियल कॉम्पोनेंट्स प्लस एच आई ई आईटा एच आई ई ओमेगा आर सी, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बना, प्लस एक कॉम्पोनेंट हमारा और इमेजिनरी बनेगा दैट इज आईटा ओमेगा एल डेल्टा एच आईटा ओमेगा एल डेल्टा एच। तो ये हमारा आ गया रियल कॉम्पोनेंट और दिस इज दी इमेजिनरी कॉम्पोनेंट। तो मैं लिखता हूँ दिस इज दी रियल पार्ट एंड ये बच्चों हमारा क्या है दैट इज दी इमेजिनरी पार्ट। और अगर हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को बच्चों कंपेयर कर दें तो अगर हम कंपेयर करें तो उससे हमारी दो कंडीशंस जो हैं हमने फाइंड आउट करनी, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस एंड सेकेंड जो हमारी है कंडीशन फॉर दी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, वो दोनों बन जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम कंपेयर करेंगे यहाँ से इक्वेशन का जो है हमारे पास रियल पार्ट, नाउ कंपेयर रियल पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स तो वो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो दिस इज जीरो विच इज इक्वल टू दिस वन, तो ये क्या है एच आई ई माइनस
HIE omega square LC plus R delta H. तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म बनेगी. ये ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये बनेगा एच आई ई ओमेगा स्क्वायर एल सी विच इज इक्वल टू एच आई ई प्लस आर डेल्टा एच. और अगर ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड रखें, राइट साइड जो हमारे पास सारी टर्म है उसको हम एच आई ई एल सी से डिवाइड कर देते हैं तो एच आई ई प्लस आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच आई ई इंटू एल सी. तो हमारा ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आया यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 1 बाई एल सी प्लस आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच आई ई इंटू एल सी. तो हम अगर देखें बच्चों ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई एल सी भी हमारा कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स के अंदर से, तो साथ में क्या बचा 1 प्लस आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच आई ई. ठीक है. और अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म निकालें तो सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं. ओमेगा इज व्हाट, दिस इज द अंडर रूट ऑफ 1 बाई एल सी 1 प्लस आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच आई ई. तो ये बच्चों हमारी एक्सप्रेशन आ गई फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, दिस इज 2 पाई एफ. तो फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन आई 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई एल सी 1 प्लस आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच आई ई. ठीक है. तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई. और अगर हम देखें जो हमारी डेल्टा एच है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो मैं इसको भी बच्चों आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ. हमारी डेल्टा एच क्या है, दिट इज एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कॉलपिट ऑसिलेटर वाले लेक्चर में. एच आई ई इज वॉट, एच आई ई जो हमारी है दैट इज द इनपुट इम्पिडेंस 1000 ओम. क्लियर. एच ओ ई दैट इज 3 × 10⁻⁶ ओम इनवर्स. एच आर ई रिवर्स वोल्टेज गेन 3 × 10⁻⁴. एच एफ ई दैट इज 250. अगर मैं डेल्टा एच यहाँ से फाइंड आउट करूँ, एच आई ई विच इज 1000 × 3 × 10⁻⁶ - 6 - ये हमारा है 3 × 10⁻⁴ × 250. एंड ये हमारा कुछ बना 3 × 10⁻³ - 3 - 7.5 × 10⁻² ये बनेगा -2. तो ये जो हमारा डेल्टा एच है ये कुछ 10⁻³ की ऑर्डर का बनेगा. और जो हमारी एच आई ई है जो ये नीचे टर्म आ रही है दैट इज वेरी लार्ज, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ + 3, मतलब 1000 हमारी वैल्यू है. तो हमारी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच जो हमारी है दैट इज वेरी स्मॉल और जो हमारी एच आई है दैट इज वेरी लार्ज. दिस टर्म इज वेरी स्मॉल और एच आई ई जो हमारी है दैट इज वेरी लार्ज. और आर हमारी क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस. अगर हमारी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, इफ आर इज वेरी स्मॉल, आर इज वेरी स्मॉल, तो जो हमारा आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच आई ई है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच आई ई कैन बी निगलेक्टेड. तो बच्चों यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं. और अगर हम यहाँ पे आर डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच आई ई निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, दैट विल बिकम 1/2 π√1/LC. तो ये हमारी वही एक्सप्रेशन बनी जो हमारी सिंपल ट्यून्ड सर्किट की होती है. तो हमने बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर बना लिया इन आइडियल कंडीशंस. जो हमारा एक्सप्रेशन ये बन रहा है 1/2 π√1/LC 1/R
डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच ई. ये तो हमारा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है. दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला. बट अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1/2 pi अंडर रूट ऑफ 1/LC. तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया. तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट. नाउ कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स. लेफ्ट हैंड साइड बच्चों है हमारा ओमेगा एम एच एफ ई, और राइट हैंड साइड हमारा ये वाला पोर्शन है विच इज एच आई ई ओमेगा आर सी प्लस ओमेगा एल डेल्टा एच. और अगर हम यहां से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ देखें तो हमारा ओमेगा कैंसिल हो रहा है. ओमेगा यहां पे भी है, यहां भी है और यहां भी है. तो एम एच एफ ई क्या बना, दिस इज एच आई ई आर सी प्लस एल डेल्टा एच. तो हमारी एम की एक्सप्रेशन क्या बनी, दिस इज एच आई ई आर सी प्लस एल डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच एफ ई. तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस. तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई विच इज कॉल्ड एज द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस. M हमें क्या बताता है, M हमें बताता है म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन L एंड L1. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जितनी M की वैल्यू आएगी उसका मतलब ये हुआ उतना मिनिमम हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होना चाहिए बिटवीन L एंड L1. तो ये हमारा बच्चों कंप्लीट आर्टिकल हमने डिस्कस किया. हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली और कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन भी निकाली. तो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर. अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अपना. थैंक यू.